यहां तक कि नागलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, जलप्रास्थान तथा वन में उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई भी अनाज, धान्य, शाक, फल मूल, कंद और फूल नहीं था जो वहां विद्यमान न हो, अर्थात सभी प्राप्य थे। वहां के वृक्ष ऋतुओं के अनुकूल सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मद्रेश्वर पुरुरवा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उस वन प्रांत को देखा। राजा को वहां अनेकों प्रकार के रूप रंग वाले पक्षी भी दिख पड़े, जैसे मोर, शतपत्र, कठफुरवा, कलविंक, गौरैया, कोयल, कादंबक, कलहंस, हंस, कोयष्ट, जलकुक्कुट, खंजरीट, खिड़रिच, कुरर, कुराकुल, कालकूट, जलकौवा, लोभी खटवांग, पक्षी विशेष, गच्छवेडक, हारिल, कुंभ, डोम कौवा, धारतराष्ट्र, काली चोंच और काले पैरों वाले हंस, तोते, बगुले, निष्ठुर चक्रवाक, कटाकू, कर्कस ध्वनि करने वाले विशेष पक्षी, टिटिहरी, भट, तीतर, पुत्रप्रिय, शरभ, लोहपृष्ठ, श्वेत चिल्ह, गोचर्म, चरसा, गिरिवर्तक, बत्तख, कबूतर, कमल, सारस, मैना, जीव जीवक, चकोर, लवा, वर्तक, बटेर, वार्ताक, बटेरों की एक जात, रक्तवर्त्म, मुर्गा, प्रभद्रक, हंस का एक भेद, ताम्रचूड, लाल शिखा वाले मुर्गे, स्वर्णचूड, स्वर्ण सदृश शिखा वाले मुर्गे, सामान्य मुर्गे, काष्ठ कुक्कुट, मुर्गे का एक भेद, कपिंजल, पपीहा, कलविंक, गौरैया, कुमकुम चूड, केसर सरीखी शिखा वाली पक्षी, भृंगराज, पक्षी विशेष, सीरपाद, बड़ा सारस, भूलिंग, भूमि में रहने वाले पक्षी, डिंडिम, हारिल पक्षी की एक जाति, नव काक, मुंजली तक चिल्ह की जाति विशेष, दात्यूह, जलकाक, भारद्वाज, भरदूल तथा चाश, नीलकंठ, इन्हीं तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य बहुत से मनोहर पक्षी समूहों को राजा ने देखा। इसी प्रकार राजा को वहां विभिन्न रूप रंग वाले जंगली जीव भी देखने को मिले, जैसे हिरण, बारह सिंहे, बाघ, सिंह, शेर, चिता, शरभ, अष्टपदी, भेड़िया, रिक्ष, तरक्ष, लकड़ा, बहुत से लांगली वानर, सामान्य वानर, वायु सरीखे वेगशाली खरगोश, लोमड़ी, वन बिलाव, बिलाव, मतवाले हाथी, भैंसे, नील गाय, बैल, चमर, सुरा गाय, स्त्रीमर, बाल मृग, श्वेत रंग के गधे, भेड़, मेढ़, मृग, कुत्ते, नीले एवं गाढ़े नीले रंग वाले भयानक मृग मात्रिक, कस्तूरी मृग, बड़ी बड़ी दाढ़ों एवं रोमों से युक्त शरभ, अष्टपदी, क्रौंच पक्षी के आकार वाले शंबर, साबर मृग, भयानक कृतमाल, एक प्रकार का हिरण, काली पूंछों वाले तोरण, सियार, ऊंट, गैंडे, सुअर, घोड़े, खच्चर, गधे आदि जीवों को उस वन में परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी द्वेष रहित होकर निवास करते देखकर मद्रेश्वर पुरुरवा विस्मय विमुग्ध हो गए। राजन, पूर्व काल में उसी स्थान पर महर्षि अत्र का पूर्णिमय आश्रम था। उन ऋषि की कृपा से वह प्रदेश स्थावर जंगम प्राणियों से भरा हुआ अत्यंत सुहावना था और वहां हिंसक जीव भी परस्पर एक दूसरे की हिंसा नहीं करते थे। महर्षि अत्र ने उस आश्रम में ऐसा उत्तम वातावरण बना दिया था कि वहां के सभी मांसभोजी जीव दूध और फल का ही आहार करते थे। राजन, मद्रेश्वर ने पर्वत के उसी नितंब प्रदेश निचले भाग में अपना निवास स्थान बनाया। वहां सब ओर कहीं भैंसों तो कहीं बकरियों के स्तनों से अमृत के समान स्वादिष्ट दिव्य दूध झरता रहता था, जिससे वहां की शिलाएं बाहर भीतर सब ओर दूध एवं दही से सराबोर रहती थीं। यह देखकर भूपाल पुरुरवा को परम हर्ष प्राप्त हुआ। वहां दिव्य सरोवर थे तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियां बह रही थीं।
नालियों में कहीं गर्म तो कहीं शीतल जल बह रहा था। उस पर्वत की कंदराएं पग पग पर सेवन करने योग्य थीं। उस आश्रम के चारों ओर 5 योजन के घेरे में हिमपात नहीं होता था। उस सुंदर पर्वत के शिखर के नीचे उपत्यका मैदानी भूमि नहीं थी, जिसके कारण वह प्रदेश जनशून्य था। राजन, वहां उस पर्वत राज का एक पीले रंग का शिखर है, जिस पर बादल संगठित होकर सदा हिम की वर्षा किया करते हैं। वहीं एक दूसरा शिखर भी है। उस सुंदर शिखर पर जल से बोझिल हुए बादल बड़ी बड़ी शिलाओं के साथ नित्य बरसते रहते हैं। जहाँ वह मन को लुभाने वाला आश्रम स्थित है, वहाँ की पृथ्वी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। प्रधान देवताओं के उपयोग में आने के कारण वहाँ के वृक्षों के फल भी सफलता को प्राप्त करते हैं। वह श्रेष्ठ आश्रम सदा भ्रमरों की गुंजार से गुंजायमान एवं देवांगनाओं से सुशेवित तथा उस पर्वत के प्रहरी की तरह संपूर्ण पापों का विनाशक था। नरेश्वर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्रीड़ा करते हुए बंदरों ने वहाँ की बर्फ राशि को चांदनी के समान उज्जवल बना दिया था। वह आश्रम चारों ओर से हिमाच्छादित कंदराओं और कंकरीले पथरीले मार्गों से घिरा हुआ था, इसलिए वह मनुष्यों के लिए सदा अगम्य था। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से युक्त महाराज पुरुरवा देवाधिदेव भगवान की कृपा से उस आश्रम पर पहुँचे। वह आश्रम थकावट को दूर करने वाला मनोहर मनोमोहक पुष्पों से अलंकृत स्वयं महर्षि द्वारा सुंदर रूप में निर्मित मंगलमय एवं शुभकारक था। उसे मद्रराज पुरुरवा ने देखा। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन प्रसंग में अत्रि आश्रम वर्णन नामक 118वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 119वां अध्याय आश्रमस्थ विवर में पुरुरवा का प्रवेश, आश्रम की शोभा का वर्णन तथा पुरुरवा की तपस्या। शूत जी कहते हैं, ऋषियों, वहां सदा हिमाच्छादित तथा रंग बिरंगे जो 2 महान शिखर थे, उनके बीच में एक तीसरा शिखर था जो अत्यंत ऊंचा था। वह बादलों से सदा शून्य रहता था, जिससे उसकी शिलाएं नित्य संतप्त बनी रहती थीं। उस शिखर के नीचे पश्चिम दिशा में वृक्षों के समूह शोभा पा रहे थे। उन्हीं के बीच में एक अत्यंत सुंदर विवर छिद्र था, जो मालती की लताओं से आच्छादित था। उसे देखते ही राजा पुरुरवा आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने उस विवर में प्रवेश किया। वह मार्ग 400 हाथ 1 फरलांग तक घने अंधकार से समावृत्त होने के कारण अत्यंत संकटमय था। उस 400 हाथ की दूरी पार कर लेने पर राजा ऐसे स्थान पर पहुँचे जो अपनी कांति से ही उद्भासित हो रहा था। वह स्थान ऊंचा, अत्यंत गंभीर और गोलाकार था तथा 1 कोस के विस्तार वाला था। यद्यपि वहाँ न सूर्य तपते थे, न चंद्रमा ही विराजमान थे, तथापि वह दिन की भांति रात दिन प्रकाशयुक्त बना रहता था। वहाँ एक सरोवर भी था, जो सुवर्ण, चांदी और मूंगे के समान रंग बिरंगे वृक्षों से सुशोभित था। उन वृक्षों में नाना प्रकार के मणियों के सदृश परमोत्कृष्ट कांति से युक्त फूल खिले हुए थे। उस सरोवर के चारों ओर शिलाओं की वेदी बनी हुई थी। भोपाल, उस सरोवर में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए थे, जिनके पुष्पदल पद्मराग मणि सरीखे केसर समूह हीरे केसे और पत्ते नीले वैदूर्य मणि के समान चमक रहे थे और वे सुगंध से भरे हुए थे। उनकी कर्णिका छत्ता सुवर्ण के समान चमकीली थी। उस सरोवर में जो भूमि थी वह हीरे से आच्छादित थी, साथ ही वह नाना प्रकार के दूसरे रत्नों से भी मंडित थी। महीपाल, वहाँ जल में उत्पन्न होने वाली कौड़ी, सीपी और शंख भी वर्तमान थे। वह कछुओं के साथ साथ भयानक घड़ियालों और मछलियों का वास स्थान था।
राजन, उसमें कहीं मरकत मणि तथा हीरे के हजारों टुकड़े पड़े थे, कहीं पद्मराग माणिक्य या लाल इंद्रनील नीलम महानील पुष्पराग पुखराज करकेतन तुत्थक तथा शेष मणियों के खंड चमक रहे थे, कहीं लाजावर्त मुख्य रुधिराक्ष सूर्यकांत चंद्रकांत नीलवर्णांतिक ज्योतिरस रम्य एवं शमयंतक मणियों के टुकड़े यत्र तत्र बिखरे पड़े थे, कहीं सुरमणि सर्पमणि वलक्षमणि और स्फटिक मणि की चट्टाने चमक रही थीं, तो कहीं गोमेद पित्तक धूली मणि मरकत वैदूर्य सौगंधिक राजमणि हीरा मुख्य तथा ब्रह्म मणि के खंड दृष्टिगोचर हो रहे थे, कहीं कहीं बिखरे हुए मोती अपनी प्रभा फैला रहे थे जो ताराओं के समान लग रहे थे। उस सरोवर का जल कुछ गुनगुना गर्म था जो स्नान करने से ठंडक को दूर कर देता था। उस सरोवर के मध्य में वैदूर्य मणि की एक सुंदर शिला थी। राजन, उस रमणीय शिला को महर्षि अत्रि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से निर्मित किया था। वह 800 हाथ 2 फरलांग विस्तृत एवं चौकोर थी। राजेंद्र, उस मनोहर द्वीप में सारा प्रदेश बिलद्वार के समान स्वर्णमय था। राजन, उस विशाल तल पर एक रमणीय पुष्करिणी पोखरी थी जो चौकोर मनोमोहिनी तथा आकाश के समान निर्मल थी। वह अत्यंत शीतल एवं निर्मल जल से परिपूर्ण तथा कमलों से सुशोभित थी। उसका वह जल सुस्वाद पचने में हल्का शीतल और सुगंध युक्त था। वह जैसे गले को कष्ट नहीं पहुंचाता था, उसी प्रकार कुक्ष को भी वायु से परिपूर्ण नहीं करता था, अर्थात वायु विकार नहीं उत्पन्न करता था, अपितु शरीर में पहुंचकर परम तृप्ति उत्पन्न करता तथा महान सुख पहुंचाता था। उस पुष्करिणी बावली के मध्य भाग में महर्षि अत्र ने अपनी तपस्या के बल से एक महल का निर्माण किया था। वह सुंदर प्रासाद चांदी का बना हुआ था जो चंद्रमा की किरणों के समान चमक रहा था। उसमें सभी प्रकार के रत्न जड़े गए थे तथा भीतर प्रवेश करने के लिए सोने की सीढ़ियां बनी थीं। उनमें रमणीय वैदूर्य एवं निर्मल मूंगे लगे हुए थे। उसमें इंद्र नील मणि के विशाल खंभे लगे थे। उसकी वेदिका अर्थात फर्श पर मरकत मणि जड़ी हुई थी। हीरे की किरणों से चमकता हुआ वह रमणीय महल देखते ही मन को लुभा लेता था। उस महल में देवाधिदेव भगवान जनार्दन मूर्ति रूप से संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होकर शेषनाग के फणों पर शयन कर रहे थे। अनघ देवाधिदेव चक्रधारी भगवान का एक चरण घुटने से मुड़ा हुआ था और दूसरा चरण शेषनाग के ऊपर से होता हुआ लक्ष्मी की गोद में स्थित था। शेषनाग के फणों पर शयन करने वाले भगवान का बाजूबंद से विभूषित एक हाथ शेषनाग के फणों पर स्थापित था। उस हाथ की अंगुलियों का पृष्ठ भाग शेष के सिर पर रखा हुआ था। उनका दूसरा हाथ फैला हुआ था। तीसरे हाथ का मणिबंध मुड़े हुए घुटने पर सुशोभित था तथा कुछ मुड़कर नाभि देश पर फैले हुए पहले हाथ पर अवलंबित था। अब उनके चौथे हाथ की दशा सुनो। चौथे हाथ में भगवान कल्प वृक्ष का पुष्प धारण किए हुए थे और उसे अपनी नासिका तक ले गए थे। उस समय लक्ष्मी अपने कमल दल के समान कोमल हाथों से भगवान का चरण दबा रही थीं। भगवान के मस्तक पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की मालाओं का मुकुट शोभा दे रहा था। वे हार केयूर बाजूबंद और अंगूठी से विभूषित तथा शेषनाग के फणों पर रखे हुए सुंदर रत्नों से प्रकाशित हो रहे थे एवं इनकी विशेषता यह थी कि महर्षि अत्रि ने उनकी स्थापना की थी। उनका चरित्र वस्तुतः जाना नहीं जा सकता। सिद्धगण सदा उनकी पूजा करते थे। कल्प वृक्ष के पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना होती थी। उनके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेपन था।
तथा वे दिव्य धूप से धूपित थे। सिद्धगण उन्हें सदा सरस एवं मनोहर फलों का उपहार देते थे। वे उत्तम पार्श्व से सुशोभित थे तथा उनके मस्तक पर कमल शोभा पा रहा था। ऐसे भगवान की मूर्ति को अपने सम्मुख देखकर राजा पुरुरवा ने विधिपूर्वक घुटने टेक कर और मस्तक को भूमि पर रखकर भगवान को प्रणाम किया तथा सहस्त्र नामों द्वारा उन मधुसूदन का स्तवन किया और उठकर बारंबार उनकी प्रदक्षिणा की। पुनः उस रमणीय देव मंदिर को देखकर उसी आश्रम में निवास करने का निश्चय किया। तत्पश्चात उस बिल से बाहर निकलकर वे किसी अतिशय मनोहारिणी गुफा का आश्रय लेकर नाना प्रकार के पुष्पों फलों मूलों तथा गोरसों द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा करते हुए वहीं तपस्या में संलग्न हो गए। वे नित्य त्रिकाल स्नान तथा अग्निहोत्र करते थे। वे नरेश सभी प्रकार के आहार का परित्याग कर सदा उस देववापी पोखरी के जल से ही प्राणों की रक्षा करते थे। राजा बिना बिछौने के ही गुफा में शयन करते हुए समय बिता रहे थे। यद्यपि राजा ने भोजन करना छोड़ दिया था और केवल जल पर ही निर्भर थे, तथापि उन्हें किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होती थी, प्रत्युत उनका शरीर अद्भुत तेजोमय हो गया था। इस प्रकार राजा पुरुरवा ने तपस्या में दत्त चित्त होकर सदा देव श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा करते हुए दुख की कुछ भी परवाह न कर उस स्वर्ग तुल्य आश्रम में कुछ काल तक निवास किया। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन में आयतन वर्णन नामक 119वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 120वां अध्याय राजा पुरुरवा की तपस्या, गंधर्वों और अप्सराओं की क्रीड़ा, महर्षि अत्रि का आगमन तथा राजा को वर प्राप्ति। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार राजकीय सामग्रियों तथा आहार का परित्याग कर राजा पुरुरवा उस रमणीय आश्रम में निवास करने लगे। वहां उन्हें गंधर्वों के साथ अप्सराओं का क्रीड़ा विहार भी देखने को मिलता था। राजा बहुत से फूलों को तोड़कर उसकी माला गूंथते थे और उन्हें अर्घ सहित पहले भगवान विष्णु को निवेदित कर पुनः गंधर्वों को दे देते थे। वे वहां पुष्प चयन में लगी हुई एवं सुखपूर्वक क्रीड़ा करती हुई अप्सराओं की विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं को देखकर भी अनदेखी कर जाते थे। वहां पुष्प चयन में निरत कोई अप्सरा लता समूह में उलझ गई और सखियां उसे उसी दशा में छोड़कर चलती बनी। तब उसके पति ने आकर उसे बंधन मुक्त किया। किसी अप्सरा के शरीर से कमल की सी गंध निकल रही थी, इस कारण उसकी निःश्वास वायु से आकृष्ट होकर भ्रमर उसके ऊपर मंडरा रहे थे। उन भ्रमरों से उसका मुख ढक सा गया था। अब उसके पति ने उसे उस कष्ट से मुक्त किया। किसी अप्सरा की आंखें पुष्प रज से आक्रांत हो गईं, तब उसके पति ने अपनी श्वास वायु से फूंक कर उन्हें धूल रहित कर दिया। किसी सुंदरी ने पुष्पों को एकत्र कर अपने पति को दे दिया। तत्पश्चात वह अपने पति द्वारा गुथी गई पुष्पमाला को अपने मस्तक पर रखकर सुशोभित होने लगी। तभी किसी के पति ने पुष्प चयन करके अपने ही हाथों माला गूंथ कर उसे अपनी पत्नी के मस्तक पर रखकर उसे सुसज्जित कर दिया। इससे उसने अपने को कृतकृत्य मान लिया। कोई पति द्वारा झुकाई गई लता से फूल तोड़ रही थी, जिससे वह अपने को सभी सखियों से संपूर्ण गुणों में बढ़ चढ़कर मान रही थी। कुछ सुंदरी देवांगनाएं गंधर्वों के साथ पृथक पृथक क्रीड़ा करती हुई कमल समूहों के बीच से राजा की ओर देख रही थीं। कोई सुंदरी अपने पति के ऊपर जल उछाल रही थी और किसी के ऊपर उसका पति जल फेंक रहा था, जिससे उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। कोई देवांगना खिन्न मन से अपने पति के ऊपर जल उछाल रही थी। पति के ऊपर जल फेंकने से किसी की चोटी खुल गई थी, जिससे उसका मुख बालों से ढक गया था। उस समय वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो भ्रमरों से घिरी हुई कमलिनी हो।
कोई अपने नेत्रों के समान कमल पुष्पों से ढके हुए उस कमलिनी के वन में छिप गई थी, जिसे उसके पति ने बड़ी देर के बाद प्रयत्न पूर्वक खोज कर प्राप्त किया था। किसी को उसका पति गले में पड़ी हुई माला के धागे को पकड़कर जल में खींच रहा था, किंतु उस धागे के टूट जाने पर वह गिर पड़ा। तब वह बड़ी देर तक हंसती रही। इस प्रकार राजा ने स्नान से निवृत्त हुई सभी देव देवियों एवं गंधर्व अप्सराओं द्वारा भगवान जनार्दन को पूजित होते हुए देखा। राजन, वे अप्सराएं सदा प्रदोष काल में देवाधिदेव भगवान जनार्दन के समक्ष नाना प्रकार के बाजों के साथ नृत्य करती थीं। एक पहर रात बीत जाने पर वे गुफा के मुख द्वार से बाहर निकलकर अपने पतियों के साथ ऐसी सजी सजाई गुफा में निवास करती थीं, जिस पर अनेकों प्रकार के गंधों वाली लताएं फैली हुई थीं, जिसमें से विभिन्न प्रकार की सुगंध निकल रही थी, जो पुष्प समूह से सुशोभित थी तथा जिसमें अनेकों विचित्र शैयाएं बिछी थीं। महाराज, इस प्रकार उस पर्वत पर अप्सराओं की क्रीड़ा का अवलोकन करते हुए राजा पुरुरवा भगवान केशव में मन को एकाग्र करके तपस्या करते रहे। एक दिन यूथ के यूथ गंधर्व और अप्सराएं राजा के निकट जाकर उनसे बोली, शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश, बड़े सौभाग्य से आप इस स्वर्ग तुल्य देश में आ गए हैं, अतः हम लोग आपको मनोभिलषित वर प्रदान करेंगी। उन्हें ग्रहण कर यदि आपकी इच्छा हो तो घर चले जाइए अथवा यहीं रहिए। राजा ने कहा, गंधर्वों एवं अप्सराओं, आप लोग अमित तेजस्वी हैं, इससे आप लोगों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए आप लोग आज ही मुझे ऐसा वरदान दें जिससे भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त हो जाए। यह सुनकर वे एवमस्त ऐसा ही होगा कहकर वहां से चले गए। तत्पश्चात राजा पुरुरवा वहां एक मास तक भगवान जनार्दन की पूजा करते हुए सुखपूर्वक निवास करते रहे। वे सदा गंधर्वों एवं अप्सराओं के प्रेम पात्र बने रहे। वे लोग राजा के निर्लोभ कर्म से परम संतुष्ट थे। राजन, उस मास के बीच में ही राजा पुरुरवा ने हजारों रत्नों से चित्रित उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां वे एक मास तक केवल जल पीकर तब तक निवास करते रहे जब तक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि नहीं आ गई। राजा पुरुरवा ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात में स्वप्न में उन्हीं देवाधिदेव भगवान विष्णु द्वारा कहे जाते हुए इस प्रकार के मंगलमय शब्दों को सुना। राजन, इस रात्र के व्यतीत हो जाने पर अत्र से तुम्हारी भेंट होगी और उनसे मिलकर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। देवराज के समान पराक्रमी राजर्षि पुरुरवा को जब इस प्रकार का स्वप्न दीख पड़ा, तब उन्होंने प्रातः काल उठकर इंद्रियों को संयत रखते हुए विधिपूर्वक स्नान किया और इच्छा अनुसार भगवान जनार्दन की पूजा की। तत्पश्चात उन्हें तपोधन महर्षि अत्र का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे वे कृतकृत्य हो गए। तब धर्मात्मा राजा ने महर्षि अत्र से देवाधिदेव भगवान द्वारा दिखाए गए स्वप्न के वृतांत को कह सुनाया। उसी समय उन्होंने देवताओं द्वारा कहे हुए इस वचन को फिर सुना, महीपाल, यह ऐसा ही होगा, इसमें तुम्हें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान जनार्दन की कृपा प्राप्त कर राजा ने देवार्चन किया और अग्नि में आहुतियां डाली। इस तरह भगवान केशव के वरदान से उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गईं। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन में ऐलाश्रम वर्णन नामक 120वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 121वां अध्याय, कैलाश पर्वत का वर्णन, गंगा की सात धाराओं का वृतांत तथा जम्बू द्वीप का विवरण। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस आश्रम के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के पृष्ठ भाग के मध्य में कैलाश नामक पर्वत स्थित है।
उस पर त्रिपुरासुर के संहारक शंकर जी निवास करते हैं। उसके शिखर नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं तथा उन पर कल्प वृक्ष शोभा पा रहे हैं। उस पर्वत पर श्रीमान कुबेर गुह्यकों के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार अलकापुरी के अधीश्वर राजा कुबेर अप्सराओं द्वारा अनुगमन किए जाते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। कैलाश के पाद उपत्यका से एक मंदोदक नामक सरोवर प्रकट हुआ है, जिसका जल बड़ा पवित्र निर्मल एवं शीतल है। उसका जल दही के समान उज्जवल है। उसी सरोवर से मंगलमयी दिव्य मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है। वहाँ उस नदी के तट पर नंदन नामक दिव्य एवं महान वन है। कैलाश की पूर्वोत्तर दिशा में चंद्रप्रभ नामक पर्वत है, जो रत्न सदृश चमकदार है। वह सभी प्रकार के धातुओं से विभूषित तथा अनेकों प्रकार की सुगंध से सुवासित दिव्य सुबेल पर्वत तक फैला हुआ है। उसके निकट अक्षोद अक्षावत नाम से विख्यात एक दिव्य सरोवर है। उससे अक्षोदिका अक्षोदा नाम की कल्याणमयी दिव्य नदी उद्भूत हुई है। उस नदी के तट पर चैत्र रथ नामक दिव्य एवं सुंदर महान वन है। उस पर्वत पर शूरवीर यक्ष सेनापति मणिभद्र गुह्यकों से घिरे हुए अपने अनुयायियों के साथ निवास करते हैं। पूर्णमयी मंदाकिनी तथा कल्याणकारिणी अक्षोदा ये दो नदियाँ पृथ्वी मंडल के मध्य भाग से प्रवाहित होती हुई महासागर में मिली हैं। कैलाश के दक्षिण पूर्व दिशा में लाल वर्ण वाला हेमश्रृंग नामक एक विशाल पर्वत है। वह दिव्य सुवेल पर्वत तक फैला हुआ है। उसकी कांति सूर्य के समान है। वह मंगल प्रद पर्वत सभी प्रकार की औषधियों से संपन्न तथा मैनशिल नामक धातु से परिपूर्ण है। उसके पाद प्रांत में एक विशाल दिव्य सरोवर है, जिसका नाम लोहित है। वह पूर्णमय लौहित्य ब्रह्मपुत्र नामक महान नद का उद्गम स्थान है। उस नद के तट पर विशोक नामक एक दिव्य एवं विस्तृत वन है। उस पर्वत पर मणिधर नामक यक्ष इंद्रियों को वश में करके परम धार्मिक एवं सौम्य स्वभाव वाले गुह्यकों के साथ निवास करता है। कैलाश की पश्चिमोत्तर दिशा में कुकुदमान नामक पर्वत है, जिस पर सभी प्रकार की औषधियाँ सुलभ हैं। वह अंजन जैसा काला तथा तीन शिखरों से सुशोभित है। उस ककुदमान पर्वत पर भगवान रुद्र के गण ककुदमी नंदिकेश्वर की उत्पत्ति हुई है। वहीं समस्त धातुओं से संपन्न वैद्युत नामक अत्यंत महान पर्वत है, जो त्रिककुद पर्वत तक विस्तृत है। उसके पाद प्रांत में सिद्धों द्वारा सेवित एक महान दिव्य मानस सरोवर है। उस सरोवर से लोक पावनी पूर्ण सलिला सरयू निकली हुई हैं, जिनके तट पर वरुण का वैभ्राज नामक सुप्रसिद्ध दिव्य वन है। उस वन में प्रहेति का पुत्र ब्रह्मधाता नामक राक्षस निवास करता है। वह जितेंद्रिय अनंत पराक्रमी और कुबेर का अनुचर है। कैलाश की पश्चिम दिशा में संपूर्ण औषधियों से संपन्न वरुण नामक दिव्य पर्वत है। वह पर्वत श्रेष्ठ सुवर्ण आदि धातुओं से विभूषित भगवान शंकर का प्रिय पात्र शोभाशाली स्वर्ण सदृश चमकीला और स्वर्णमयी दिव्य शिलाओं से संपन्न है। वह अपने स्वर्ण सरीखे चमकदार सैकड़ों शिखरों से आकाश को छूता हुआ सा दीख पड़ता है। वहीं श्रृंगवान नाम का एक महान दिव्य पर्वत है, जो समृद्धशाली एवं दुर्गम है। उस पर्वत पर धूम्रलोचन भगवान शिव निवास करते हैं। उस पर्वत के पाद प्रांत में शैलोद नामक सरोवर है। उसी से मंगलमयी पुण्यतोया शैलोदका नाम की नदी प्रवाहित होती है। उसे चक्षुषी भी कहते हैं। वह उन दोनों पर्वतों के बीच से बहती हुई पश्चिम सागर में जा मिली है। कैलाश की उत्तर दिशा में हिरण्यश्रृंग नाम का अत्यंत विशाल पर्वत है, जो हरिताल से परिपूर्ण पर्वत श्रेष्ठ गौड़ तक फैला हुआ है।
इस कल्याणकारी पर्वत पर दिव्य औषधियां प्राप्त होती हैं। इसके पाद प्रांत में बिंदुसर नामक अत्यंत रमणीय दिव्य सरोवर है, जो सुवर्ण के समान बालुका से युक्त है। यहीं पर राजर्षि भगीरथ ने मेरे पूर्वज गंगा जल से हड्डियों के अभिषिक्त हो जाने पर स्वर्गलोक को चले जाएं, इस भावना से भावित होकर गंगा को भूतल पर लाने के लिए बहुत वर्षों तक तप करते हुए निवास किया था। इसलिए त्रिपथगा गंगा देवी सर्वप्रथम वहीं प्रतिष्ठित हुई थीं और सोम पर्वत के पाद से निकलकर सात भागों में विभक्त हो गईं। उस सरोवर के तट पर अनेकों मणिमय यज्ञ स्तंभ तथा स्वर्णमय विमान शोभा पा रहे थे। वहां देवताओं के साथ इंद्र ने यज्ञों का अनुष्ठान कर सिद्धि लाभ किया था। वहाँ दिव्य छाया पथ तथा नक्षत्रों का मंडल विद्यमान है। वहाँ त्रिपथगा गंगा देवी रात में चमकती हुई दीख पड़ती हैं। गंगा देवी स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक को पवित्र कर भूतल पर आईं और वे शिव जी के मस्तक पर गिरीं। तब शिव जी ने अपनी योग माया के बल से उन्हें वहीं रोक दिया। इससे गंगा देवी क्रुद्ध हो गईं। उस समय उन कुपित हुई गंगा देवी की जो कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, उनसे बहुसर नामक एक सरोवर बन गया। वही आगे चलकर बिंदुसर नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय शिव जी के सहसा रोक लिए जाने पर गंगा देवी क्रुद्ध होकर ऐसा विचार करने लगी कि मैं अपनी धारा के साथ शंकर को बहाती हुई पृथ्वी को फोड़कर पाताल में प्रवेश करूंगी। जब शंकर जी को गंगा की यह कुचेष्टा और क्रूर अभिप्राय ज्ञात हुआ, तब वे उसे गंगा का अभिमान समझकर क्रुद्ध हो गए और उस नदी रूपिणी गंगा को अपने अंगों में ही लीन कर लेने का विचार करने लगे। परंतु ठीक इसी समय राजा भगीरथ, जिनकी इंद्रियां भूख से व्याकुल हो गई थीं तथा जिनके शरीर में नसें मात्र दिख रही थीं, शिव जी के सम्मुख आ गए। उन क्षीणकाय नरेश को देखकर शंकर जी विचार में पड़ गए कि इसने तो पहले ही इस नदी को भूतल पर लाने के लिए तपस्या द्वारा मुझे संतुष्ट कर लिया है। फिर अपने द्वारा राजा को दिए गए वरदान को याद कर उन्होंने अपने क्रोध को रोक लिया। तत्पश्चात गंगा नदी को धारण करते समय ब्रह्मा द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर तथा भगीरथ की उग्र तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शंकर ने अपने तेज से रोकी हुई गंगा नदी को छोड़ दिया। इसके बाद गंगा सात धाराओं में विभक्त होकर प्रवाहित हुई। त्रिपथगा गंगा की तीन धाराएं पूर्वाभिमुखी तथा तीन पश्चिमाभिमुखी प्रवाहित हुईं और सातवीं धारा स्वयं भागीरथी गंगा थी। इस प्रकार वे सात धाराओं में विभक्त हो गईं। उसके पूर्व दिशा में बहने वाली धाराओं का नाम नलिनी, हलादिनी और पावनी है तथा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली तीनों धाराएं सीता, चक्षु और सिंधु नाम से कही गई हैं। उनमें सातवीं धारा भगीरथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चली और दक्षिण सागर में प्रविष्ट हो गई। इसी कारण वह भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। यही सातों धाराएं हिमवर्ष को आप्लावित करती हैं। इस प्रकार ये सातों नदियां बिंदुसर से निकली हुई हैं। ये सब ओर से उन मलक्ष प्राय देशों को सींचती हैं जो पर्वतीय कुकुर, रौद्र, बर्बर, यवन, खस, पुलिंद, कुलत्थ, अंगलोक्य और वर नाम से कहे जाते हैं। इस प्रकार गंगा हिमवान को दो भागों में विभक्त कर दक्षिण समुद्र में प्रवेश कर गई हैं। इसके बाद चक्षु, वंशु नदी वीर मरु, कालिक, शूलिक, तुषार, बर्बर, कार, पलवह, पारद और शक इन देशों को आप्लावित कर समुद्र में मिल गई हैं। सिंधु नदी दरद, उर्जगुड, गांधार, औरस, कुहू, शिवपौर, इंद्रमरु, वसत, सैंधव, उर्वश, वर्ब, कुपथ, भीमरोभक, सुनामुख और
उर्दमरु इन देशों की सेवा करती अर्थात इन देशों में बहती है। मंगलमयी गंगा गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस विद्याधर नाग कलाप ग्रामवासी जन किम पुरुष किरात पुलिंद कुरु भारत पांचाल कौशिक मत्स्य विराट मगध अंग उत्तर सुहम वंग तथा ताम्रलिप्त इन आर्य देशों को पवित्र करती हैं। इस प्रकार वे हिमालय से निकलकर विंध्य पर्वत से अवरुद्ध होकर पूर्व की ओर आगे बढ़ती हुई दक्षिण समुद्र में मिल गई हैं। इसी प्रकार पूर्य तोया हलादिनी जो पूर्वाभिमुखी प्रवाहित होती हैं उपका निषाद धीवर ऋषिक नीलमुख केकर अनेक कर्ण किरात कालंजर विकर्ण कुशिक और स्वर्ग भौमक इन सभी देशों को सींचती हुई समुद्र मंडल के तट पर पहुंचकर उसमें लीन हो गई हैं। नलिनी नदी भी बिंदुसर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। वह कुपथ इंद्रदुम्नसर खरपथ वेत्र टद्वीप शंकुपथ आदि प्रदेशों को सींचती हुई उज्जानक जूनागढ़ मरु के मध्य भाग से बहती हुई कुथ प्रावरण की ओर चली गई हैं तथा इंद्रद्वीप के निकट लवण सागर में मिल गई हैं। उसी मूल सरोवर से पावनी नदी बड़े वेग से पूर्व दिशा की ओर बहती है। वह तोमर हंस मार्ग और समूहक देशों को सींचती हुई पूर्वी देशों में जा पहुंची है। वहां अनेकों प्रकार से पर्वत को विदीर्ण करके कर्ण प्रवारण में पहुंचकर अश्वमुख देश में चली जाती है। इसके बाद मेरु पर्वत को सींचती हुई विद्याधरों के लोकों में जाकर शयनमंडल कोष्ठ नामक महान सरोवर में प्रवेश कर जाती है। इनकी छोटी बड़ी सैकड़ों हजारों सहायक नदियां भी हैं जो पृथक पृथक इन्हीं में आकर मिली हैं। इन्हीं के जल को ग्रहण कर इंद्र वर्षा करते हैं। वन शोक सारा के तट पर सुरभि नामक वह वन है जिसमें जितेंद्रिय एवं विद्वान हिरण्यसिंह निवास करता है। वह कुबेर का अनुचर यज्ञ से विमुख अमित तेजस्वी एवं परम पराक्रमी है। वहीं अगस्त गोत्रीय विद्वान ब्रह्म राक्षसों का भी निवास स्थान है। उनकी संख्या चार है। वे चारों कुबेर के अनुचर हैं जो उसी हिरण्यसिंह के आश्रम में रहते हैं। इसी प्रकार पर्वत निवासियों की सिद्ध समझनी चाहिए। वह धर्म काम और अर्थ के अनुसार परस्पर दुगुना फल देने वाली होती है। हेमकूट पर्वत के पृष्ठ भाग पर जो सर्पों का सरोवर बतलाया जाता है उसी से सरस्वती और ज्योतिषमती नाम की दो नदियां निकली हैं। वे क्रमशः पूर्व और पश्चिम समुद्र में जाकर मिली हैं। पर्वत श्रेष्ठ निषद पर विष्णुपद नामक सरोवर है जो उसी पर्वत के अग्रभाग से निकला हुआ है। वे दोनों नाग और विष्णुपद सरोवर गंधर्वों के अनुकूल हैं। मेरु के पार्श्व भाग से चंद्रप्रभ नामक महान सरोवर तथा पूर्य सलिला जम्बू नदी निकलती हैं। जम्बू नदी में जम्बू नद नामक सुवर्ण पाया जाता है। वहीं पयोद और पुंडरीकवान नामक दो सरोवर और हैं जिनका जल क्रमशः नील और श्वेत है। इन पुंडरीक और पयोद सरोवरों में दो सरोवर और प्रकट हुए हैं। उनमें एक सरोवर से निकला हुआ सर उत्तर मानस नाम से प्रसिद्ध है। उससे मृग्या और मृगकांता नाम की दो नदियां निकली हैं। कुरु देश में सागर के समान अगाध एवं विस्तृत 12 हृद हैं जो कमलों और मछलियों से भरे रहते हैं। वे वैजय नाम से विख्यात हैं। उनसे शांति और मध्वी नाम की दो नदियां निकली हैं। किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें इंद्रदेव वर्षा नहीं करते अपितु वहाँ की बड़ी बड़ी नदियाँ ही अन्नोत्पादक जल को प्रवाहित करती हैं। बलाहक ऋषभ चक्र और मैनाक ये चारों पर्वत क्रमशः चारों दिशाओं में लवण सागर तक फैले हुए हैं। चंद्रकांत द्रोण तथा सुमहान इन पर्वतों का विस्तार उत्तर दिशा में महासागर तक है।
चक्र, वधिरक और नारद ये पर्वत पश्चिम दिशा में फैले हुए हैं। इनका विस्तार महासागर तक है। जिमूत, द्रावण, मैनाक और चंद्र ये महापर्वत दक्षिण दिशा में दक्षिण समुद्र तक विस्तृत हैं। दक्षिणा पथ के समुद्र में चक्र और मैनाक पर्वत के मध्य में संवर्तक नामक अग्नि का निवास है। वह उस सागर के जल को पीता है। समुद्र में निवास करने वाला औरव नामक अग्नि है। इसे बड़वाग्नि कहते हैं, जिसका मुख घोड़ी के समान है। वह भी समुद्र के जल को सोखता रहता है। पूर्व काल में जब इंद्र पर्वतों का पक्ष छेदन कर रहे थे, उस समय ये चारों पर्वत इंद्र के भय से भीत होकर लवण सागर में भागकर छिप गए थे। ये पर्वत चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में आने पर दिखते हैं एवं कृष्ण पक्ष आने पर समुद्र में डूब जाते हैं। भारत वर्ष के जो भेद दिख पड़ते हैं उनका वर्णन यहाँ किया गया। अन्य वर्षों का वर्णन अन्यत्र किया जा चुका है। इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर गुणों में अधिक है। इन वर्षों में सभी प्राणी विभाग पूर्वक आरोग्य और आयु के प्रमाण से तथा धर्म, काम और अर्थ से युक्त होकर निवास करते हैं। उन सभी वर्षों में उन प्राणियों की अनेकों जातियां भी हैं। इस प्रकार इस विश्व एवं इस जगत को धारण करती हुई पृथ्वी स्थित है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण के भुवन कोश वर्णन में जम्बू द्वीप वर्णन नामक 121वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 122वां अध्याय शाक द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप और शालमल द्वीप का वर्णन। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, अब मैं शाक द्वीप का निश्चित रूप से यथार्थ वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कथनानुसार शाक द्वीप के विषय में जानकारी प्राप्त करें। शाक द्वीप का विस्तार जम्बू द्वीप के विस्तार से दुगुना है और चारों ओर से उसका फैलाव विस्तार से भी तिगुना है। उस द्वीप से यह लवण सागर घिरा हुआ है। शाक द्वीप में अनेकों पुण्यमय जनपद हैं। वहाँ के निवासी लंबी आयु भोग कर मरते हैं। भला उन क्षमाशील एवं तेजस्वी जनों के प्रति दुर्भिक्ष की संभावना कहाँ से हो सकती है। इस द्वीप में भी मणियों से विभूषित श्वेत रंग के 7 पर्वत हैं। शाक द्वीप आदि 3 द्वीपों में 7-7 पर्वत हैं, जो चारों दिशाओं में सीधे फैले हुए हैं। ये ही वहाँ वर्ष पर्वत कहलाते हैं। ये रत्नाकराद्रि नाम वाले वर्ष पर्वत ऊंचे शिखरों से युक्त तथा वृक्षों से संपन्न हैं। ये द्वीप विस्तार के परिमाण की समानता में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं और एक ओर क्षीर सागर तक तथा दूसरी ओर लवण सागर तक पहुंच गए हैं। अब मैं शाक द्वीप के 7 दिव्य महापर्वतों का वर्णन कर रहा हूँ। उनमें पहला पर्वत मेरु कहा जाता है, जो देवों, ऋषियों और गंधर्वों से सुशोभित है। वह स्वर्णमय पर्वत पूर्व दिशा में फैला हुआ है। उसका दूसरा नाम उदयगिरि है। वहाँ मेघगण वृष्ट करने के लिए आते हैं और जल बरसा कर चले जाते हैं। उसके पार्श्व भाग में संपूर्ण औषधियों से संपन्न जलधार नामक अत्यंत विशाल पर्वत है। वह चंद्र नाम से भी विख्यात है। उसी पर्वत से इंद्र नित्य अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। वहीं महान समृद्धशाली नारद नाम का पर्वत है, जिसे दुर्गशैल भी कहते हैं। पूर्व काल में ये दोनों नारद और दुर्गशैल पर्वत यहीं उत्पन्न हुए थे। उसके बाद श्याम नामक अत्यंत विशाल पर्वत है, जहाँ पूर्व काल में ये सारी प्रजाएं श्यामलता को प्राप्त हो गई थीं। श्याम पर्वत के सदृश काले रंग वाला वहीं दुंदुभि पर्वत भी है, जिस पर प्राचीन काल में देवताओं द्वारा दुंदुभि के बजाए जाने पर उसके शब्द से ही शत्रुओं की मृत्यु हो जाती थी। इसके अंतः प्रदेश में रत्नों के समूह भरे पड़े हैं और
यह सेमल के वृक्षों से सुशोभित है। उसके बाद महान अस्ताचल है जो रजतमय है, उसे सोमक भी कहते हैं। इसी पर्वत पर पूर्व काल में गरुड़ ने अपनी माता के हितार्थ देवताओं द्वारा संचित किए गए अमृत का अपहरण किया था। उसके बाद आम्बिकेय नामक महापर्वत है जिसे सुमना भी कहते हैं। इसी पर्वत पर वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। आम्बिकेय पर्वत के बाद संपूर्ण औषधियों से परिपूर्ण एवं स्फटिक की शिलाओं से व्याप्त परम रमणीय महान पर्वत है जो बिभ्राज नाम से विख्यात है। इससे अग्नि विशेष उद्दीप्त होती है, इसी कारण से इसे बिभ्राज कहते हैं। इसी को केशव भी कहते हैं। यहीं से वायु की गति प्रारंभ होती है। द्विजवरों, अब मैं उन पर्वतों के वर्षों का यथार्थ रूप से नाम निर्देशानुसार आनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ। सुनिए, जिस प्रकार वहाँ के पर्वत दो नाम वाले हैं, उसी तरह वर्षों के भी दो दो नाम हैं। उदय पर्वत के वर्ष उदय और जलधार नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें जो पहला उदय वर्ष है वह गतभय नाम से अभिहित होता है। दूसरे जलधार पर्वत के वर्ष को सुकुमार कहते हैं, वही शैशिर वर्ष के नाम से भी विख्यात है। नारद पर्वत के वर्ष का नाम कौमार है, उसी को सुखोदय भी कहते हैं। श्याम पर्वत का वर्ष अनिचक्र नाम से कहा जाता है, उसी मंगलमय वर्ष को मुनिगण आनंदक नाम से पुकारते हैं। सोमक पर्वत के कल्याणमय वर्ष को कुसुमोत्कर नाम से जानना चाहिए, उसी सोमक नाम वाले वर्ष को असित भी कहा जाता है। आम्बिकेय पर्वत के वर्ष मैनाक और क्षेमक नाम से प्रसिद्ध हैं। सातवें केसर पर्वत के वर्ष का नाम बिभ्राज है, वही ध्रुव नाम से भी कहा जाता है। शाक द्वीप का विस्तार तथा लंबाई चौड़ाई जम्बू द्वीप के परिमाण से अधिक है, यह ऊपर बतला चुके हैं। इस द्वीप के मध्य भाग में शाक नाम का एक महान वनस्पति है। इस द्वीप की प्रजाएं महापुरुषों का अनुगमन करने वाली हैं। इन वर्षों में देवता गंधर्व सिद्ध और चारण विहार करते हैं और उनकी रमणीयता देखते हुए प्रजाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। इस द्वीप में चारों वर्णों की प्रजाओं से संपन्न सुंदर जनपद हैं। इनमें प्रत्येक वर्ष में समुद्रगामिनी सात नदियां भी हैं और वे सभी दो नामों वाली हैं। केवल गंगा सात प्रकार की बतलाई जाती हैं। मंगलमयी एवं पूर्ण सलिला प्रथमा गंगा सुकुमारी नाम से कही जाती हैं। यही नदी अनुतप्ता नाम से भी प्रसिद्ध है। दूसरी गंगा तपह सिद्धा सुकुमारी हैं, ये ही सती नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तीसरी गंगा नंदा और पावनी नाम से विख्यात हैं। चौथी गंगा शिविका हैं, इन्हीं को दुविधा भी कहा जाता है। इक्षु को पांचवी गंगा समझना चाहिए, उसी प्रकार पुनः इन्हें कुहू भी कहते हैं। छठी गंगा बेणुका और अमृता नाम से प्रसिद्ध हैं। सातवीं गंगा को सुकृता और गभस्ती कहा जाता है। कल्याणमय जल से परिपूर्ण एवं महान भाग्यशालिनी ये सातों गंगाएं शाक द्वीप के प्रत्येक वर्ष के सभी प्राणियों को पवित्र करती हैं। दूसरे बड़े बड़े नद नदियां और सरोवर भी इन्हीं गंगा की धाराओं में आकर मिलते हैं, जिसके कारण ये सभी अथाह जल बहाने वाली हैं। इन्हीं से जल ग्रहण कर इंद्र वर्षा करते हैं। उन सहायक नदियों के नाम और परिमाण की गणना नहीं की जा सकती। ये सभी श्रेष्ठ नदियां पूर्य तोया हैं। इनके तट पर निवास करने वाले जनपदवासी सदा हर्ष पूर्वक इनका